सबसे एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कि ये जो हमारे सारे पार्टी फ्रेंड्स हैं जो पिछले एक महीने से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि राम कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करें, तो कृपया जोर से ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए, इनका थैंक यू कीजिए, इनका धन्यवाद कीजिए। बिना किसी और मोटिवेशन के, जस्ट अपनी एक श्रद्धा भाव के कारण अपने राम, अपनी भक्ति प्रभु राम के चरणों में अर्पित करते हुए ये सभी पार्टिसिपेंट्स पिछले एक महीने से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं संडे को, और लिमिटेड साधनों के अंदर भी जितनी बढ़िया से बढ़िया रामलीला राम कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ये करते हैं। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का, बहुत लंबी लिस्ट है और अभी आप सब राम कथा देखने में ज़्यादा उत्सुक हैं, तो उन सबको हम आपसे राम कथा के अंत में अराउंड 10 बजे मिलवाएंगे। तो कृपया जाइएगा नहीं, ये जो कलाकार आपके सामने यहाँ पे कला प्रस्तुत कर रहे हैं उन सबको आपके समक्ष हम लेके आएंगे, तो तब तक ही इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जितनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं ये बहुत हमें हौसला देती है, बहुत बढ़ावा देती है कि हर साल हम कुछ एफर्ट डालें और ये कथा आपके सामने लेकर आएँ। एक ही हमारा मकसद रहता है कि जो भी बच्चे यहाँ पर आए वो ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके जाएं, ताकि आप उनको राम कथा के बारे में जितना बता सकें बताएं, पंडित जी से कंसल्ट करें या गूगल करें, जो भी इनके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करें। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले धन्यवादी हैं भारतीय कल्चरल सोसाइटी का, जिन्होंने पिछले 12 सालों से हमें सहयोग दिया, और अभी आपने देखा कि इस साल जो नई टीम हम आपके सामने लेकर आए हैं वो भी लेकर आ पाए, तो पूरी भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा के सभी बोर्ड मेंबर्स, सभी प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और सबसे प्रार्थना कि कृपया स्टेज पर आएँ भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा के सभी बोर्ड मेंबर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सभी एग्जीक्यूटिव, कृपया स्टेज पर आएँ। आपके सामने आप सभी राम कथा में पूरा सहयोग देते हैं, पर कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि फाइनेंशियली हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम ये कथा आपके समक्ष हर साल इसी तरीके से प्रेजेंट करते रहें। तो उन चारों स्पॉन्सर्स का जो पिछले 12 सालों से हमें ये कथा स्पॉन्सर कर रहे हैं ताकि मंदिर के फाइनेंसिस पर कोई इस तरह का बोझ ना पड़े, उन चारों स्पॉन्सर्स को भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा ताकि वो हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रैक लेकर हम अपना धन्यवाद प्रकट करें उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का, उनकी सपोर्ट का, जिसके कारण हम पिछले 12 सालों से ये कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं ये विवेक आहूजा, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के मॉर्गेज स्पेशलिस्ट। विवेक जी 12 सालों से हमेशा रामलीला को सपोर्ट करते रहे हैं, हमारे चारों स्पॉन्सर्स की तरफ से हमें खुला स्पॉन्सरशिप, ये कह सकते हैं कि ब्लैंक चेक मिला हुआ है कि आप हमसे बिना पूछे हर साल रामलीला में जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा है आप लिखते रहिए। और ये कथा है, जैसे कि आपको बताया कि 12 सालों से प्रभु की कृपा हम पर हो रही है कि ये कथा हम आपके सामने कंटिन्यूस प्रेजेंट करी जा रहे हैं, उसके अंदर हमारे पार्टिसिपेंट्स के अलावा भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा के अलावा इन बिजनेसेस का भी बहुत बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो विवेक आहूजा जी फ्रॉम बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, के गुप्ता जी फ्रॉम अल्बर्टा मॉर्गेज सेंटर, के गुप्ता जी फ्रॉम अल्बर्टा मॉर्गेज सेंटर, के गुप्ता जी का भी हमें शुरू से ही सहयोग है, सिर्फ सिवाय स्पॉन्सरशिप के अलावा भी जब भी हमें जो भी कुछ मदद की जरूरत होती है वो हम के गुप्ता जी के पास जाते हैं, कुछ भी हमें हिंदी में टाइप कराना होता है तो के गुप्ता जी ऑलवेज देयर। अब शेखर जी फ्रॉम सेंचुरी ट्रैवल, शेखर जी भी पिछले 12 सालों से हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी उनकी तरफ से हमें खुला स्पॉन्सरशिप का एक चेक मिला हुआ है कि आप हमेशा मेरा नाम लिखते रहिए और जो भी मेरे से सेवा बन पाएगी वो मैं करता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी का। हमारे स्पेशल स्पॉन्सर हैं जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे, ऐसे कलाकार, तो जिस साल भी वो कलाकार अपने हमारे को यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाते वो हमारी फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर दें, तो मैं आमंत्रित करता हूँ पावल जसवाल जी को। बहुत खुशी की बात है कि जब हमारे कलाकार ही आगे बढ़कर रामलीला को स्पॉन्सर कर पाते हैं, तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं पावल जसवाल जी का।
हमारे स्पॉन्सर्स के अलावा हमारे मीडिया एशियन टाइम्स और हारमोनी टीवी के रंजीत खेरा जी जो कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ये कथा को उन लोगों तक पहुँचाने का जो यहाँ पर नहीं आ पाए। हमारे म्यूजिशियंस, संगीत बैठक अकादमी, तो जैसे मैंने कहा कि लिस्ट बहुत लंबी है, इन सब लोगों से मैं आपको कथा के बाद मिलवाऊँगा। तो जब तक आप कृपया कथा के साथ इस तरह ही बने रहिए। मैं जानता हूँ कि सीन के दौरान बीच में कुछ हमें समय ज़्यादा लग रहा है, पर हम बढ़िया सीन आपके तरफ जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कृपया सहयोग अपना इसी तरह बनाते रहिए और बहुत ही रोचक दृश्य अभी आपके पास आने वाले हैं, कुछ नए दृश्य, कुछ बाल कलाकार जो आपके सामने यहाँ पे इकट्ठे होकर राम सेतु का एक निर्माण करेंगे। तो कृपया सारे सीन इसी तरह देखते रहिए। आप सबकी संख्या और आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट हमें बहुत मोटिवेट करती है, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद।